जयपुर से अब खबर, 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। निरंजन आर्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं और देर रात कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। राजीव स्वरूप के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया निरंजन आर्य बन गए हैं। वेणु गुप्ता अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राज्य अक्षय ऊर्जा निगम जयपुर, राजेश्वर सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर, अखिल अरोड़ा प्रमुख शासन सचिव वित्त आबकारी एवं कराधान विभाग जयपुर, साथ ही आनंद कुमार प्रमुख शासन सचिव राजस्व जयपुर, अजिताभ शर्मा प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग जयपुर, दिनेश शर्मा प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष जयपुर, राजेश कुमार यादव प्रमुख शासन सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग जयपुर, नवीन महाजन शासन सचिव जल संसाधन विभाग जयपुर, टी रविकांत शासन सचिव वित्त राजस्व विभाग जयपुर, मंजू राजपाल शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर, नवीन जैन शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग जयपुर, डॉ पृथ्वीराज शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर, साथ ही सिद्धार्थ महाराज की अगर बात करें तो शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, डॉ वीना प्रधान संभागीय आयुक्त अजमेर, डॉ राजेश शर्मा शासन सचिव आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं प्रबंध निदेशक जयपुर, डॉ आरुषि अजय मलिक विशिष्ट शासन सचिव पशुपालन मत्स्य एवं गौपालन विभाग अध्यक्ष जयपुर, डॉ ओम प्रकाश आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जयपुर, यज्ञ मित्र सिंह देव प्रबंध निदेशक जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर। तो इन आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बात अगर मुख्य सचिव की करें तो प्रदेश को नए मुख्य सचिव मिले हैं निरंजन आर्य। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए निरंजन आर्य जो मुख्यमंत्री के बेहद विश्वसनीय भी माने जाते हैं, उन्हें अब ये जिम्मेदारी दी गई है, बेहद खास बात। जी बिल्कुल, निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्वसनीय माना जाता है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे हैं। कह रहा था कि यदि राजीव स्वरूप को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो निरंजन आर्य को भी जिम्मेदारी दी जाएगी जी। और क्योंकि रात का इंतजार किया गया, लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक विभाग ने एक्सटेंशन का आदेश नहीं जारी किया तो इसी स्थिति में राजीव स्वरूप रिटायर हो गए और निरंजन आर्य को राजस्थान सरकार ने राजस्थान का जो मुख्य सचिव नियुक्त किया है जी। इसके साथ ही प्रशासनिक बेड़े में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है बिल्कुल, लेकिन माना जा रहा है कि निरंजन आर्य के चीफ सेक्रेटरी बनने से नया संदेश देने का प्रयास सरकार ने किया है बिल्कुल जी। नीरज जी, निश्चित तौर पर देखिए क्योंकि अब जिम्मेदारी निरंजन आर्य को मिली हुई है और बेहद शुरुआत से ही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी प्रभावित रहे हैं उनके काम से, तो ऐसे में माना जा सकता है कि यही फैक्टर यहाँ पे काम किया है। देखिए क्या होता है कि किसी भी सरकार के मुख्य का जो विश्वसनीय अधिकारी होता है उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही है। निरंजन आर्य अभी भी वित्त सचिव थे और पूर्व में भी उनके प्रमुख सचिव रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी को भी टिकट दिया था जी। ऐसे में और जो है ऐसी वर्ग से काबिल रखते हैं तो सरकार कहीं कहीं जो है सोशल इंजीनियरिंग का काम भी करती है इस तरह के माध्यम से। हालांकि चार पांच अधिकारी जो है वो उनसे काफी सीनियर थे, लगभग 10 अधिकारी उनके सीनियर है, इसके बावजूद उनको एक्सटेंशन मिलना एक जो अधिकारी वर्ग में भी जाता है कि जो वरिष्ठ है उनको तवज्जो नहीं दे सकते, निरंजन आर्य को तवज्जो दी गई, तो कहीं ना वो विशेष इंतजाम रख में है। अब निरंजन आर्य की जिम्मेदारी है कि वो राजस्थान के प्रशासनिक बेड़े को किस तरह से जो आर्टिस्ट है उनका किस तरह से मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर किस तरह से वो खड़ा होता है बिल्कुल। नीरज जी देखिए, निरंजन आर्य पहले ऐसे सीएस बने हैं जिनके अंडर एक ही एसीएस काम करेंगे, कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के बाद अगर ब्यूरोक्रेट्स में बात करें तो सबसे पावरफुल पद। जी बिल्कुल, राजस्थान का जो मुख्य सचिव होता है वही सबसे पावरफुल होता है, उसी के बाद सारे अधिकारी होते हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी जिनकी जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम है उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए वो उसके प्रभावी ढंग से लागू करे। राजस्थान की जो टीम मजबूत होती है तो फिर वो उसको ज्यादा प्रभावित तरीके से कर पाते हैं। यदि मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री के स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ पात्र नहीं होंगे, उनकी समझ के नहीं होंगे, उनके अभी सीएम की जो इच्छाएं हैं उनके आदेश है उनको अगर नीचे तक क्रियान्वित नहीं करने वाले होंगे तो सरकार का कामकाज कैसे जनता तक पहुंचेगा। बिल्कुल, तो कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो सभी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ही जो
उनका विश्वास भ्रष्टमंद हो उसको जिम्मेदारी दी। इसके लिए जो सीनियर अधिकारी हैं उनको जो है उनकी उन्नति भी करनी पड़ती है जी। और उनके जो जूनियर होते हैं उनको इस तरह के पदों पर नवाजा जा रहा है, जैसा की निरंजन आर्य को नवाजा गया है। और सरकार ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि वो अपने लोगों के लिए जो है इस तरह की मेडल ले सकती है। बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए निरंजन आर्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं और खुद सूबे के जो मुखिया हैं उनके काफी विश्वसनीय निरंजन आर्य माने जाते हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव है, निरंजन आर्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सबसे विश्वसनीय अधिकारी हैं। निरंजन आर्य 1989 बैच के अधिकारी हैं। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में यह बड़ा बदलाव हुआ है, सबसे विश्वसनीय मुख्यमंत्री के माने जाते हैं निरंजन आर्य। साथ ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश के नए मुख्य सचिव निरंजन आर्य बने हैं। और साथ ही यहां पर बेहद एक खास और अहम बात है वो ये है कि निरंजन आर्य पहले ऐसे सीएस हैं जिनके अंडर सिर्फ एक ही एसीएस काम करेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री के बाद ब्यूरोक्रेट्स में सबसे पावरफुल प्रदेश के नए मुख्य सचिव निरंजन आर्य। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के अफसर और साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य के मुख्य सचिव बनते ही सचिवालय में सीनियर आईएएस अफसरों की भी कहीं ना कहीं भारी कमी हुई। और पहली बार ऐसा जब किसी मुख्य सचिव के अंडर में रोहित कुमार सिंह केवल एक ही अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस रह जाएंगे। रोहित कुमार सिंह भी उन्हीं के बैचमेट हैं।